हाय गाइस, मैं आपका होस्ट परविंदर सिंह आज फिर से आपके सामने रूबरू हो चुका हूं। तो आज आप जैसा आप जानते हैं हर बार की तरह, अभी फिर से हम अपने गेस्ट के पास आए हुए हैं। हमारे गेस्ट जो हैं वो मुंबई से आए हुए हैं, तो आज लास्ट डे है इनका यहाँ हाउस बोट में। हर बार वही होता है, हम हाउस बोट में आके इंटरव्यू लेते हैं, तो वो तो हमारा नॉर्मल नॉर्म है। तो अभी इनसे हम सारा पूछेंगे, इनका ट्रिप कैसा रहा है, कहाँ कहाँ गए, क्या हुआ है, वही खुद बताएंगे। तो इस वीडियो को आप एंड तक देखिएगा, क्योंकि इसमें आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाती है कि यहाँ कहाँ कहाँ जाना है, क्या करना है, कैसे करना है। क्योंकि कुछ चीज़ें गेस्ट बताते हैं, कुछ चीज़ें हम बताते हैं। तो काइंडली आप इसमें हमारे यार सब्सक्राइब भी हमारे बड़े कम हैं यूट्यूब पे, तो काइंडली सब्सक्राइब भी कर लो यार, और शेयर भी कर लिया करो, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। हैं तो अभी आप देख लीजिए, यहाँ पर हमारे बीच में ये जोशी सर आए हुए हैं मुंबई से, और वो उनकी वाइफ हैं विदुला जी, और ये इनका बेटा अथर्वा है, और ये आप हमारे ज्वाली जी हैं, ये तो आप सब जानते ही हैं आप, और ये हमारे इनके फादर इन लॉ हैं, इनका नाम है प्रमोद जी। तो अभी जो भी कुछ है हम इनसे पूछेंगे सारा, इनका ट्रिप कैसा रहा है, आज इनका लास्ट नाइट है हाउस बोट, आपको पहचान ही गए होंगे, बेस्ट व्यू रिजॉर्ट्स में ठहराते हैं फारूक साहब जिंदाबाद, तो उन्हीं का ये यहाँ पर ठहरे हुए हैं। तो अभी जो है मैं ज़्यादा आपका टाइम तो लूँगा नहीं, तो सीधा हम जोशी साहब से बात करेंगे। कि जोशी साहब, वेलकम टू आवर चैनल। थैंक यू सर। सिंह टू ट्रेवल्स कश्मीर। थैंक यू वेरी मच। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। तो सर जी, आप अभी पाँच छः दिन से यहाँ पर घूम रहे हैं, तो ये बताइए कि यहाँ का आपका मतलब जो रहा टूर कैसा रहा? सर टूर बढ़िया रहा, मिक्स रहा। आई मीन द वे वी स्टार्टेड, आर एक्सपेक्टेशन वॉज नॉट अप टू मार्क, बट देन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हमें ऐसा लगा कि अभी हम इंजॉय करना शुरू कर रहे हैं। और जैसे जैसे वो कर्व थोड़ा आगे बढ़ते गया, जैसे जैसे प्लेसेस हम चेंज करते गए, गुलमर्ग गए, सोनमर्ग गए, पहलगाम गए, सब जगह घूमे, लेकिन वहाँ का जो नेचर का एक्सपीरियंस है वो आई मीन इट वॉज फैबुलस, वो अनमैच्ड है। वो कहीं भी मेट्रो में जाओ, मूवी में देखो, लेकिन ऐसा जो एक्सपीरियंस है वो कहीं दूसरी जगह नहीं आएगा। एंड द वे द ओवरऑल ट्रांसपोर्टेशन वाज अरेंज्ड, इट वाज फैंटास्टिक। बढ़िया। एंड द गाय हु बेसिकली एकंपनीड अस वाज एब्सोल्युटली कोऑपरेटिव, एंड ही हेल्प्ड अस अ लॉट टू अंडरस्टैंड लोकल, जो भी उनके स्पेशलिटीज होते हैं कि जो चीज़ें देखनी है, दैट ऑल्सो हेल्प्ड अ लॉट टू अंडरस्टैंड द कश्मीर टू सम एक्सटेंट। वो एक चीज़ है, अगर आपको ड्राइवर बंदा अच्छा मिल जाए ना, तो ड्राइवर जो बंदा है वो ना एक गाइड का काम भी करता है आपके लिए, क्योंकि ही इज अ लोकल गाय। देखिए जो टूर ट्रैवल वाला बंदा है वो तो आपको थोड़ा फोन करके बता देगा सर ऐसा कर लीजिए, लेकिन जो ऑन स्पॉट है, जो फील्ड पे है, वो आपको अच्छी तरह गाइड सर ऐसा करो, ये करो, वो करो, वो सारा आपको समझा देता है। तो ओवरऑल आपका आनंद आपको रहा? आप फर्स्ट टाइम सर यहाँ पर आ रहे हैं? फर्स्ट टाइम कश्मीर। बढ़िया। तो अभी हम वहाँ पर विदुला जी से पूछेंगे कुछ सवाल, तो मैडम आप भी बता दीजिए आपका कैसा रहा सिस्टम, और आप भी आई थिंक फर्स्ट टाइम ही आ रहे हैं? फर्स्ट टाइम। बढ़िया, आप सब फर्स्ट टाइम ही आ रहे हैं जी? जी जी। हाँ हाँ, चलिए अच्छी बात है। आप बताइए मैडम, आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा? एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा रहा। बोलते हैं ना, ऐसे धरती पर स्वर्ग है तो कश्मीर है, बस वही अनुभव कर रहे हैं। यहाँ के लोग कैसे लगे मैडम? यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं। यहाँ का ट्रैफिक जो है, ट्रैफिक होने के बावजूद भी लोग जो ड्राइविंग स्किल यूज करते हैं वो बहुत अच्छा है। एक छोटी सी गली में दो व्हीकल जाते हैं, लेकिन बिना झगड़ा किए, बिना ईगो अड़ाए जाते हैं। वेरी गुड, वेरी गुड। उनको पता है क्योंकि रोज का काम है, और ये भी वो चाहते नहीं होंगे कि हम ना टूरिस्ट को अपना बैड इम्प्रेशन दे, कि कल को कि उनको कोई बैड इम्प्रेशन ना जाए, तो अच्छी बात है। तो ये मैडम जी आप बता दीजिए कि ये आप सब जगह घूमे, तो यहाँ पर आपको जो सबसे अच्छी प्लेस कौन सी लगी कश्मीर में? पहलगाम लगी। अच्छी, आनंद आया वहाँ पर? बहुत। चलो ये बात सही है, हर किसी की अपनी अपनी चॉइस है, कोई बोलता है सोनमर्ग, कोई पहलगाम। लेकिन अभी हमारा कश्मीर का ऐसा सिस्टम है कि जब आप यहाँ आते हैं ना, तो समर में कोई लोकेशन आपको बढ़िया लगेगी और विंटर में कोई और लगेगी। अभी गुलमर्ग है, जब आप अभी देखते हैं तो कंपैरेटिवली आपको इतना अच्छा नहीं लगता है एज़ कम्पेयर टू पहलगाम और सोनमर्ग, लेकिन जैसे ही आप विंटर में आएंगे आपको गुलमर्ग लगेगा जैसे आप अपनी कहाँ स्विट्जरलैंड पहुँच गए, कहाँ पहुँच गए, वो अलग ख्वाब है। तो कोई बात नहीं है। आप बेटा अथर्व जी, आप भी बता दीजिए अपने फ्रेंड्स के लिए, उनको बता दीजिए भैया आओ घूमो आके यहाँ पर। हाँ बताइए, क्या कहना चाहते हैं आप? इधर का हर जगह में कुछ नया अट्रैक्शन है, मतलब हर जगह में कुछ खास है। सोनमर्ग, गुलमर्ग, फिर श्रीनगर हो गया, पहलगाम हो गया,
मतलब पहलगाम का तो हम लोग जो ग्लेशियर के ऊपर गए थे वो काफी अच्छा था, मतलब सच में हाथ में बर्फ लेके गोले बना के फेंक रहे थे। वो आप चंदनवाड़ी गए होंगे? हाँ, चंदनवाड़ी गए थे। बेता वैली से जो व्यू है, चारों तरफ माउंटेन्स का व्यू है, एकदम अच्छा नजारा है उधर से। मतलब हर जगह पे कुछ अलग अलग है और खास है, तो बोलते है ना हेवन ऑन अर्थ, तो कश्मीर इज हेवन ऑन अर्थ। हमारे व्यूअर्स को क्या बोलेंगे? व्यूअर्स को बोलना चाहते हैं कि डेफिनेटली जो टूर्स एंड ट्रेवल्स था वो काफी उन्होंने अच्छा हमारा मतलब हेल्प किया, हमारे लिए फैसिलिटीज बहुत अच्छी रखी थी। विंटर और समर दोनों में अलग अलग ब्यूटी देखने को मिलती है कश्मीर की, मतलब ठंडी में पूरा बर्फ से भरा होता है और समर्स में भी काफी अच्छे व्यूज होते हैं, तो दोनों टाइम विजिट करना। अभी देखिए अथर्वा जी ने अपना बता दिया फीडबैक, तो सैडी जी आप भी कुछ बताना चाहेंगे अपना फीडबैक? बस सर, मैं इनको देख के बड़ा खुश हो गया सर। इनको देख के कुछ हो गए? प्रमोद जी को देख के, इतने अच्छे मतलब अपने सीनियर हैं फिर भी बड़े मतलब मुस्कुराते रहते हैं, हमेशा खुश रहते हैं, इससे बड़ी क्या बात है सर। हमारे लिए शिक्षा है ना? हमारे लिए शिक्षा है सर। बढ़िया, वी लर्न लॉट ऑफ थिंग्स फ्रॉम देम। बिल्कुल सर जी, आपका भी स्वागत है। अब आप सबसे एक्सपीरियंस बंदे हैं हमारे सब में से, है ना? हम भी छोटे हैं, हमारे हम तो एक एज के ही हैं, लेकिन आप हम सब में से सीनियर हैं। अब आपके भी सर कुछ विचार जानना चाहेंगे, आप सर अपने विचार बता दीजिए जो आपके मन में है। अभी मैं पूरा यूरोप टूर किया है, इंडिया का मोस्ट ऑफ द प्लेसेस आई हैव सीन, बट ये रियली स्विट्जरलैंड से भी अच्छा लगा मेरे को ये पहलगाम। एकदम नेचुरल ब्यूटी जो होती है वो सब उधर एंजॉय किए एकदम। नदी का जो आवाज़ है, मेरे को पानी का आवाज़ बहुत पसंद आता है। पीछे एकदम हिल है, सामने मस्त एकदम। और दूसरा एक अच्छा इधर लगा कि ट्रैफिक कितना भी बेकार, आई मीन ड्राफ्ट हो कुछ भी ना दो, लेकिन झगड़ा कभी भी नहीं देखा। बम्बई में क्या एक दूसरे के साथ झगड़ा ही झगड़ा चलता है ट्रैफिक में, जाम होगा, पर इधर बिल्कुल कभी नहीं। सब लोग समझदार लगे, बहुत ही अच्छे। सर यहाँ के लोग कैसे लगे आपको? बहुत ही अच्छे, डाउन टू अर्थ रियली। मीन्स वो लोग को कभी भी मैं देखा नहीं, कभी भी किसी भी गर्व है कि कुछ भी नहीं है, एकदम कोऑपरेटिव, नाइस स्पीकिंग एंड एकदम लो टोन है उनका, कभी भी आवाज नहीं करते ज्यादा। तो ये जो जो हमारे फारूक साहब से अभी आप मिले हैं, जिनका ये आप बेस्ट व्यू रिजॉर्ट देख रहे हैं, इनके बारे में आपके कोई विचार? हाँ एकदम पसंद, एकदम ये तो एकदम मेरे को लगा भी नहीं था कि हाउस बोट इतनी अच्छी होती है। और ये बहुत ही इनका इंतजाम, इसका वो सब देख के मैं एकदम आई एम सो सरप्राइज टू सी ऑल दिस थिंग रियल, इट इज वंडरफुल। मीन्स ऐसा कभी भी देखा नहीं कि दो शिकारे, आई मीन शिकारा तो छोटा है, ये दोड़े हाउस बोट दो बड़े होके इसमें उसका बीच में गार्डन होगा, ये कभी नहीं सोचा था मैं। ये देख के मैं बहुत ही खुश हुआ है। अच्छा लगा आपको आना? यस बढ़िया। फारूक साहब का भी मैं शुक्र करूँगा। ठीक है तो सर हमारे लिए कुछ? आपका तो सिंह साहब तो एकदम, आप लोगों ने तो एकदम हमारा बहुत अच्छा अरेंजमेंट कर दिया। थोड़ा कभी इधर इधर होता है, वो तो सर गलतियां हो जाती हैं। इंसान है, इंसान से गलतियां कहीं ना कहीं तो हो ही जाती है, लेकिन अल्टीमेटली एट द एंड ऑफ द ये होना चाहिए कि सारे खुश होके जाएं, अपना आनंद से जाएं, जो आपने सोचा है दिमाग में वो होके गया, लेटिस आप सबको वो तो चलो मिल गया। तो कोशिश हमारी यही है। तो ये जो हम जो एंड पे रखते हैं ना, ये हम इसलिए रखते हैं कि हमारे गेस्ट जो है बड़े आराम से खुश होके जाएं, कहीं कहीं वाकई हम कहीं आके ठहर गए हैं। एयरपोर्ट में उतरने से बाद में सब जो हुआ है अभी जाने तक खुश ही खुश है, यानी कि आप अच्छी मेमोरीज लेके जा रहे हैं। 100% बढ़िया बढ़िया बढ़िया, पैसा वसूल टूर है। अभी देखो हम मोस्ट भारत में गए, अभी 7 स्टेट है, मेघालय, हाँ हाँ यस यस, वो सब घूम के आया है, बाद में अंडमान निकोबार हुआ है, सब जगह जाके आए, लेकिन बहुत अच्छा लगा ये। बढ़िया सर, आपके विचार तो बहुत बढ़िया। एक बार कश्मीर का टूर का चांस था, लेकिन उस टाइम नहीं बन पाया, कुछ भी प्रॉब्लम हुआ, आज बन गया। आज बन गया तो देखिए आज बना भी कैसे, अपने बच्चों के साथ आप आए, कितना प्यारा टूर रहा आपका, है ना? तो चलो अच्छी, मैं मान रहा हूँ वो जमाई है, वो आपके बच्चे बेटी हैं, ये आपका है, नाती है, तो ये सारे अपने ही हैं, तो इन्होंने आपको आपका ये टूर इनकी वजह से। डर लग रहा था इधर का ठंडी, क्योंकि मैं इतना ज्यादा ठंडी सहन नहीं कर सकता। अच्छा, लेकिन एक कोट भी डालने पर ठीक लगता है। बढ़िया सर, ओवरऑल इट वाज द बेस्ट। बढ़िया सर, वेरी मच प्राउड ऑफ यू एंड आई एम, थैंक यू सर, थैंक यू बहुत बहुत, आपका आशीर्वाद सर हमारे साथ रहना चाहिए। और बाकी मैं एंड पे इतना जरूर बता दूंगा, कहीं ना कहीं हमारे से भी कमियां रह गई हैं। ना नहीं, मैं बताता हूँ उसके लिए। उस देखिए उसके लिए ऐसा है कि उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। और दूसरी बात यह है कि
हमें ना हर किसी जो हमारी इंटरेक्शन जैसे सबसे होती है, जोशी साहब मैं आपको बता दूं, हमें हर बार सीखने को मिलता है। जैसे जैसे हम किसी से इंटरव्यू लेते हैं ना, जैसे हम बात करते हैं, तो हमें हर बार कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता है। और हमारे को देर सी हर जगह आपको देर इज ऑलवेज एन यू नो स्कोप ऑफ इम्प्रूविंग योर सेल्फ एंड यू हैव टू लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक्स ऑल्सो। कहीं ना कहीं हमसे भी गलतियाँ हो जाती हैं, लेकिन फिर सर मैं आपको इतना बताना चाहता हूँ, ये कश्मीर है, यहाँ पर यूजुअली हमारा जो टूरिस्ट सीजन है ये 90 डेज का होता है। तो 90 डेज में क्या होता है, ये वैसे कश्मीर में नहीं होता है, ये जैसे आप शिमला चले जाएं, अब कहीं और चले जाएं, वहाँ पर भी चले जाएं, वहाँ पर भी यही है कि कुछ सीजन जो होता है सीज़न के रेट्स कुछ डिफरेंट होते हैं, और जो बगैर सीजन के रेट्स हैं वो डिफरेंट होते हैं, है ना, ऑफ सीजन के रेट्स अलग होते हैं। तो इस समय जून आज हमारा है 4 जून है, यहाँ पाँव रखने की जगह नहीं है, तो इस सीज़न में हमारे को बहुत इश्यूज आ जाते हैं सामने। तो कहीं बजट कंस्ट्रेंट होते हैं, कहीं कुछ होता है, तो उस हिसाब से हमें चलो कोशिश हम पूरी करते हैं कि हम अपनी तरह अच्छे दें, लेकिन कहीं ना कहीं हमसे भी कुछ गलतियां हो जाती हैं, तो सीखने का समय हमें मिलता है। तो आप सबसे सर हम क्षमा के अभिलाषी हैं। लाइक टू ऐड वन मोर थिंग, वी लाइक टू थैंक यू एंड आई मीन बोथ ऑफ यू स्पेशली बिकॉज वी आस्क्ड फॉर दिस टूर एट लास्ट मोमेंट ओनली 4 डेज प्रायर टू दिस एंड एवरीथिंग वॉज अरेंज्ड इन 4 डेज टाइम including this houseboat also. Haan. I mean, it was a pleasure to have this type of arrangement in 4 days time. Ride was also booked, but बहुत सारी कंपनियाँ हैं, tours and travels हैं, जो आप 4 महीने पहले करो, they'll arrange everything for you. But in 3 days, 4 days time to have arrangement without seeing you, without knowing you, that is very important. चलिए सर, thanks. बहुत मेहरबानी आपकी, बहुत थैंक यू अथर्वा, आपका भी बेटा, और आपसे तो देखिए आप आज के बच्चे हैं, और मैं आपसे सिर्फ एक रिक्वेस्ट करूंगा, अपने फ्रेंड सर्कल और अपने जाए हमारे यूट्यूब चैनल को नो इश्यूज, वो तो करना ही है, लेकिन आपको हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी करना, और अपने आप फ्रेंड सर्कल में भी बोल दीजिएगा, और हम यही आशा करते हैं आप अपने सर्कल्स में हमारा वर्ड ऑफ माउथ जरूर स्प्रेड करेंगे। तो और हो सकता है कभी आप विंटर में भी प्रोग्राम बनाए तो हमें जरूर उसका ये दीजिए, कभी भी आपको बढ़िया। आप सबका टूर अच्छा रहा, ये एट द एंड ऑफ द डे यही हमें बहुत खुशी की बात है। और सैडी जी मैं आपको ये बताऊं, फिर वही बात जो मैं हर बार बोलता हूं कि भैया पैसे तो हर बार कमाने हैं, लेकिन गेस्ट को कमाना तो वो ही बड़ी बात है ना। तो गेस्ट को पैसे कमाने के साथ साथ आपने गेस्ट को कमा लिया तो समझिए आपने सब कुछ कर दिया, लेकिन आपने सिर्फ पैसा ही कमाया और गेस्ट को नहीं कमाया, आप बिल्कुल जीरो एंड निल है। तो अच्छी बात है, इसी नोट पे मैं इस व्लॉग को एंड करता हूँ, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आशा करते हैं आपका जो आगे का सफर है वो भी अच्छा रहे, अब बहुत बहुत, और आपके फ्यूचर के लिए बेटा ऑल द बेस्ट। चलो ग्रेट, थैंक यू सर, नमस्ते, नमस्ते, ओके सर।